रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ स्टारर जग्गा जासूस ने 3 साल के इंतजार के बाद इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी। ना सिर्फ रणबीर कैटरीना की केमिस्ट्री बल्कि इंडियन सिनेमा के इतिहास में पहली म्यूजिकल फिल्म होने की वजह से सबकी नजरें इस फिल्म पर टिकी हुई थी। अपने ओपनिंग डे पर 8.57 करोड़ के एवरेज कमाई करने के बाद अगले 2 दिन में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में जबरदस्त चढ़ाव देखा और सैटरडे संडे मिला के इस फिल्म ने 33.11 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसे देख ट्रेड पंडित्स को भी लगा शायद इस फिल्म की ह्यूमंगस बजट को ये रिकवर करने में कामयाब होगी, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। सोमवार जग्गा जासूस ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में भारी गिरावट का सामना करते हुए 4.05 करोड़ का कलेक्शन किया और इसी के साथ अपने ग्रैंड टोटल को 37.22 करोड़ तक पहुँचा दिया। एटलीस्ट इस फिल्म के प्रोडक्शन कॉस्ट को रिकवर करने के लिए ही सही, पर इस फिल्म को वीकडेज के दौरान बॉक्स ऑफिस पर स्टडी रहना होगा। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाइक के साथ बने रहें।